वो पांच बदकिस्मत खिलाड़ी जो योग्य होते हुए भी भारत की T20 विश्व कप टीम में नहीं बना सके अपनी जगह। ICC T20 विश्व कप 2024 का आगाज 2 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाला है। इस मेगा ICC इवेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। बता दूं कि रोहित शर्मा भारतीय विश्व कप टीम के कप्तान होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या उपकप्तान होंगे। इसके अलावा कार एक्सीडेंट में रिकवर होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। वही दूसरे विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि पांच ऐसे भी खिलाड़ी है जो बहुत काबिल थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। कह सकते हैं कि उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन से पांच खिलाड़ी है जो बदकिस्मती का शिकार हुए है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनुभवी श्रेयस अय्यर। अनुभवी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली है। श्रेयस अय्यर ने इससे पहले T20 फॉर्मेट में भारत के लिए अहम भूमिका निभाई है। बता दूं कि श्रेयस अय्यर ने 47 T20 मुकाबलों में 136 के स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं। वही IPL में भी उनके नाम 3000 से भी ज्यादा रन है। इसके बावजूद भी उन्हें भारतीय T20 विश्व कप टीम में शामिल नहीं किया गया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है प्रिंस शुभमन गिल। टीम इंडिया के स्टार और युवा ओपनर शुभमन गिल भी T20 विश्व कप के मुख्य टीम का हिस्सा नहीं है। बता दूं कि उन्हें रिजर्व में रखा गया है। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो ही उन्हें मौका मिल सकता है। बता दूं कि गिल ने भारत के लिए 14 T20 में 147 के स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं। वही 100 IPL मैचों में उनके नाम 3094 रन है। इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी उन्हें T20 विश्व कप के टीम में मौका नहीं मिला है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है विस्फोटक रिंकू सिंह। खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह को भारतीय T20 वर्ल्ड कप के मेन टीम में मौका नहीं मिला है। बता दूं कि वह भी गिल की तरह रिजर्व में रखे गए हैं। बता दूं कि रिंकू सिंह ने भारत के लिए बतौर फिनिशर 15 T20 मैचों में 176 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए हैं। इसके अलावा IPL में भी उनका बल्ला खूब बोला है। इस लिस्ट में अगला नाम है अनुभवी KL राहुल। भारत के अनुभवी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज KL राहुल को भी भारतीय टीम में मौका नहीं मिला है। बता दूं कि वह रिजर्व खिलाड़ियों का भी हिस्सा नहीं है। KL राहुल का नाम ना देख फैंस को थोड़ी बहुत तो हैरानी हुई है। बता दूं कि राहुल ने भारत के लिए 72 T20 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 2265 रन बनाए हैं। वही IPL में खेले गए 127 मैचों में उनके नाम 4541 रन है। इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी उन्हें भारतीय T20 विश्व कप में शामिल नहीं किया गया है। इस लिस्ट में अगला नाम है विकेटकीपर ईशान किशन। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दिसंबर 2023 तक लगातार भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद अब वह टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। ईशान किशन ने भारत के लिए 32 T20 में 796 रन बनाए हैं। वही IPL में खेले गए 100 मुकाबले में उन्होंने 136 की स्ट्राइक रेट से 2536 रन बनाए हैं। तो इस तरह से इन पांच खिलाड़ियों को बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है और उन्हें भारतीय T20 विश्व कप के टीम में जगह नहीं मिली है। वैसे आपके हिसाब से इन पांच खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था, कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।